आईएएस कोचिंग सेंटर में तीन जन छात्र छात्री मृत्यु। म्युनिसिपालिटी कर्तृपक्ष अवहेला को दायी करते रास्तार प्रदर्शन को ओह्लाई छात्र छात्री। तेज एभली अभावन घटना देखा मिली दिल्ली राजेन्द्र नगर एक आईएएस कोचिंग सेंटर में। सूचना अनुजाई गत काली दिल्ली में प्रबल वर्षा होगा पर राजेन्द्र नगर में एक आईएएस कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में पा पशिता। एक समय सेठे एक लाइब्रेरी किसी छात्र छात्री तीन जन पा बुड़ी जाते। खबर पाई उद्धारकारी टीम घटनास्थल में पहुंची बेलू जनकर मृत्यु घटी। मृतकों मधे जे छात्र और दुई जन छात्री अच्छा। प्रबल वर्षा संग को ड्रेन पा कोचिंग सेंटर बेसमेंट में पशिजु एपरी एक दुखद घटना सामना को आसी। छात्र छात्री मैंने म्युनिसिपालिटी कर्तृपक्ष दायी कर। बच्चे बहुत दुखी हैं और बहुत गुस्से में हैं और क्यों ना हो 12 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। अभी तक ना तो दिल्ली सरकार का कोई मंत्री आया है, ना ही एमसीडी की मेयर आई है, कोई अधिकारी नहीं आया है। इन बच्चों का अपने हाल पे छोड़ा हुआ है। मैं ये मानती हूँ कि ये जो मौत हुई है ये कोई डिजास्टर नहीं है, ये सीधे सीधे मर्डर है। FIR दर्ज होनी चाहिए। ये जितने भी सरकार के बहुत बड़े बड़े नुमाइंदे हैं इन सब पे FIR होनी चाहिए। सबकी जिम्मेदारी बनती है, नंबर वन। नंबर टू, ये बच्चे देश के अलग अलग कोनों से UPSC की तैयारी करने दिल्ली आते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं। इनके माँ बाप कैसे कैसे कर इन्हें दिल्ली भेजते हैं और उसके बाद इन बच्चों की इतनी दर्दनाक मौत होगी और कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। सबसे जरूरी है ये जितने भी बच्चे मरे हैं, अभी तो पता ही नहीं चल पा रहा कि 3 मरे हैं या ज्यादा मरे हैं, जितने बच्चे मरे हैं उन सबके घर में जाकर 1 करोड़ की कॉम्पेंसेशन इंडिविजुअली देनी चाहिए। ये जो मंत्री और मेयर, और मेयर ने तो अभी कुछ दिन पहले बोला था कि मॉनसून आने वाला है, दिल्ली वाले इंजॉय कीजिए, ये इंजॉयमेंट है? ये जितने भी लोग हैं इन्हें यहाँ आना चाहिए। मंत्री को तुरंत आना चाहिए, मेयर को तुरंत आना चाहिए, इन बच्चों का गुस्सा झेलना चाहिए और इनसे माफी मांगनी चाहिए। ऐसे दिल्ली नहीं चलेगी। दिल्ली देश की राजधानी है। आई एम गोइंग टू रेज दिस वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू इन द पार्लियामेंट। ये जांच बिल्कुल बेमानी है। FIR होनी चाहिए, इन सब के ऊपर एक्शन होना चाहिए। और वो काउंसिलर कहाँ है? बच्चे बता रहे हैं कि 12 दिन पहले से बार बार काउंसिलर को बोला गया था कि ड्रेनेज सिस्टम खराब है, तो उस काउंसिलर की जान बिल्कुल सीधे जवाब दी ही नहीं बनती और उसके जितने भी ऊपर के लोग हैं सबकी जवाब दी। सेपटे घटना को नहीं बीजेपी आप को दायी करथिबा बळे दल पक्षरु पालटा जवाब दिया जायछि। दिल्ली में आप सरकार थिबा बळे म्युनिसिपालिटी मध्ये नियंत्रण रे रहिछि, तथापि ड्रेन समस्या दूर करिवारे आप विफल होइछि बोली कहिछि बीजेपी। ब्यूरो रिपोर्ट, ABC ओडिया।